देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया और मैं हूं कल्याणी महाजन आपके साथ। आइए रुक करते हैं अभी की ताजा खबरों की ओर। किसानों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना का क्रियान्वयन शुरू। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस योजना को जय किसान फसल ऋण माफी योजना का नाम दिया। विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे के काफिले की सुरक्षा में लगे 4 फॉलो गार्ड की सड़क हादसे में मौत। शहीद हर्षवर्धन सोलंकी को पुलिस विभाग ने राजकीय सम्मान राष्ट्रीय ध्वज और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी। पंधाना के सुरगांव में दीदी चेतना भारती के मुखारविंद से 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन। कार्यक्रम में उमड़ रही है क्षेत्र के अनेक भक्तों की भीड़। खेती के लिए कर्ज लेने वाले प्रदेश के किसानों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना का क्रियान्वयन मंगलवार से शुरू हो गया है। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को शहर की पलाश होटल में आयोजित हुए शुभारंभ समारोह के दौरान 14 किसानों की ऋण माफी के फॉर्म भरकर स्वयं जमा किए। साथ ही मध्य प्रदेश के 52 जिलों में मंगलवार से इस योजना का क्रियान्वयन भी शुरू हो गया है। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस योजना को जय किसान फसल ऋण माफी योजना का नाम दिया है और इस योजना से प्रदेश के करीब 55 लाख किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। कांग्रेस ने चुनाव के दौरान किसानों के कर्ज माफी का वायदा किया था जो अब लगभग पूरा होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे के काफिले की सुरक्षा में लगे फॉलोगार्ड सुरक्षा वाहन को एक ट्रॉले ने टक्कर मार दी थी। इस हादसे में बालाघाट जिले के लांजी थाना में पदस्थ काला पीपल निवासी उप निरीक्षक हर्षवर्धन सोलंकी सहित 3 अन्य जवान शहीद हो गए थे। मंगलवार सुबह हर्षवर्धन का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर उनके गृहग्राम राघोखेड़ी लाया गया। जैसे ही बालाघाट पुलिस पार्थिव शरीर को लेकर उनके घर पहुंची तो परिवार वाले बिलख उठे। पार्थिव देह को अंतिम दर्शन हेतु रखा गया। यहां अंतिम दर्शनों के लिए मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष और काला पीपल विधायक कृणाल चौधरी, पूर्व शुजालपुर विधायक जसवंत सिंह हांडा, एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान समेत पूरे नगर के लोगों ने शहीद को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। शहीद हर्षवर्धन सोलंकी को पुलिस विभाग ने राजकीय सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ शहीद को सम्मान में अंतिम विदाई दी। वहीं समाज के रीति रिवाज के अनुसार 1 वर्षीय मासूम बेटे शौर्य ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। इस हृदय विराधक दृश्य को देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। काला पीपल से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। मैं छुट्टी से वापस बालाघाट जा रहा हूँ और उन्होंने यही बोला था कि अब जब वापस आएंगे तो बहुत कुछ आगे और भी काम करना है। मेरे मित्र हर्षवर्धन की जो आकस्मिक दुर्घटना में मौत हुई है, इसमें कहीं ना कहीं मैं प्रशासनिक पुलिस के लिए जो छोटी छोटी कमियां रहती हैं उनको जिम्मेदार मानता हूं। पुलिस प्रशासन के लिए सरकार द्वारा कई व्यवस्थाएं की गई हैं पर वो पर्याप्त नहीं है। आज इस दुखद हादसे में कहीं ना कहीं अव्यवस्थाओं की कमी थी। सुनने में आया कि इस सास के वाहन भी नहीं थे उनके पास में, वो मुझे संबंध में जानकारी नहीं है, पर फिर भी जो प्रशासनिक कमियां हैं उनको दूर किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। नहीं, अब शासन से आप क्या चाहते हैं? मैं मुख्यमंत्री महोदय से यही चाहूँगा कि परिवार को जो क्षतिपूर्ति राशि है उसको तुरंत सहायता प्रदान की जाए एवं जो अनुकंपा नियुक्ति की घोषणा की गई है उसको भी शीघ्र अतिशीघ्र कागजीय कार्रवाई से कंप्लीट किया जाए। किसी भी प्रकार के परिवार के लोगों को परेशानी ना हो। शासन द्वारा किस प्रकार मदद का आश्वासन दिया है? शासन द्वारा सब इंस्पेक्टर हर्षवर्धन सोलंकी को शहीद का दर्जा दिया गया है। परिवार को एक हर्षवर्धन सिंह सोलंकी जो अपनी कर्तव्य निष्ठा, जो कर्तव्य परायणता करते हुए अपने काम को अंजाम देते हुए असमय एक एक्सीडेंटल मौत जो हुई है, जो इसके लिए जांच के आदेश भी सरकार के द्वारा दिए गए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संवेदना व्यक्त करी है। ये हमारे क्षेत्र के लिए, गांव के लिए और पूरे परिवार के लिए एक बड़ी दुखद घटना है कि एक नौजवान जिन परिस्थितियों में समय गया है, सभी लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने एकत्रित हुए हैं और ऐसे शहीद को सलाम करते हैं जो अपने कर्तव्य को निभाते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ है। ऐसे शहीद को प्रणाम।
काफ़ी दुखद घटना हुई परसों रात में, जिसमें हमारे साथी जवान और एक काफ़ी कम उम्र के सब इंस्पेक्टर जो हैं वो अपने कर्तव्य को करते अंजाम देते हुए ख़त्म हो गए। और इसमें उनके परिवार में जो उनकी पत्नी हैं और बच्चे हैं तथा जो भी उनके घर में उनके परिजन हैं, उनके प्रति हम सबकी मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से संवेदनाएं हैं। और हम उन्हें आश्वस्त करते हैं कि जब भी उन्हें कभी भी हमारी और किसी की भी कभी भी आवश्यकता पड़ेगी, निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम उनकी मदद करेंगे और किसी भी समय। पंधाना के गांव सुरगांव राठौर में दीदी चेतना भारती के मुखारविंद से 7 दिवसीय भागवत कथा का कार्यक्रम 11 जनवरी से चल रहा है। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के अनेक भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। कथा के 5वें दिन दीदी चेतना भारती ने कहा कि आज देश की गाय माता और स्त्रियों पर अनेक अत्याचार हो रहे हैं, इन्हें रोकने के लिए हमें गाय माता और हमारी माता बहनों का सम्मान करना होगा। दीदी चेतना भारती ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा जो वचन पत्र में कहा गया है कि हर गांव में गौशाला खोली जाएगी, इस पर शीघ्र अमल होना चाहिए और प्रत्येक गांव में गौशाला खोली जानी चाहिए ताकि हमारी गाय माता इधर उधर ना भटके। भागवत कथा में अनेक जिलों से भक्तजनों का आना जाना और तांता लगा हुआ है। पंधाना से मोहम्मद असलम खान की। पोरसा में विद्युत विभाग की लापरवाही से बड़ा हादसा हो गया। ग्राम तालकापुरा सिलावली के रंसी जौदान अपने खेत पर पानी देने के लिए गए थे। जब वो काफी देर तक खेत से नहीं लौटे तब उनका भाई तेज सिंह जौदान उन्हें देखने के लिए खेत पर गया तो उसने देखा कि खेत की मेड़ पर रंसी को करंट लग गया है। इसके बाद उसने चिल्लाकर ग्रामीणों को जमा किया, उसने फोन कर लाइन को तुरंत बंद करवाया और रंसी को लेकर अस्पताल पहुंचे। यहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौके पर नगरा थाना प्रभारी वेदराज सिंह परिहार और चौकी प्रभारी धर्मेंद्र मालविया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देखा कि करंट में एक नील गाय भी चपेट में आकर जल गई है। मृतक के परिजनों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। नाम क्या था? ब्रजेश सिंह। कौन सा गांव? सिलावली तालकापुरा। अच्छा, ये जो घटना हुई है आपके यहाँ बिजली से चिपकने वाली, या क्या मतलब पूरा मामला है? पूरा मामला ये है कि ये मैंने कंप्लेंट करी थी 3:30 बजे के लगभग। अच्छा। जब मैंने कहा था कि लाइन जब तक सही नहीं हो जाए तब तक लाइन चढ़ाना मत। अच्छा। और इन्होंने हमारे कंप्लेंट के बाद भी इन्होंने लाइन चढ़ा दी है। सुबह जब चाचा खेत पे गए थे तो इनकी मृत्यु, तार पकड़ लिया उन्होंने। अच्छा। इनकी मृत्यु हो गई। तार मतलब कौन सा तार पकड़ा था? जो खेतों में लगा रहता है वो वाला। खेतों वाला। हाँ। इनका नाम क्या था? रण सिंह यादव। बीसलपुर के गांव साबेपुर में देवी भट्टा वाले जेसीबी से अवैध रूप से खुलेआम मिट्टी की खुदाई कर रहा है। यही नहीं, ये भूमि नहर विभाग के बिल्कुल पास में है। सरकार इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है और इसमें कम से कम 40 ट्रॉली लगी हुई है जो कि कृषि यंत्र है, जबकि सरकार ने पहले ही कह दिया था कि कृषि यंत्र से कोई भी खुदाई कार्य नहीं हो सकता। यही नहीं, इससे गांव का वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है और सारी रोड गांव की मिट्टी के आने की वजह से खराब कर दी गई है। इसका जिम्मेदार कौन है? ग्राम प्रधान भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। यही नहीं, जब हमारे संवाददाता ने तहसीलदार साहब से फोन पर संपर्क किया तब उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ भी पता ही नहीं है। बीसलपुर से पंकज गुप्ता की रिपोर्ट। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।